मेरठ के कुख्यात मार्केट सोटीगंज में आज फिर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। यहां इरफान उर्फ राहुल काला की तकरीबन 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। सोटीगंज में अब तक की कार्रवाई में 55 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। राहुल काला पर विभिन्न थानों में वाहन चोरी, अवैध कटान जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। एसपी कैंट सूरज राय ने बताया, आने वाले दिनों में ऐसी कई बड़ी कार्रवाई जारी रहेंगी। एसपी कैंट सूरज राय ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि इरफान उर्फ राहुल काला, जो संगठित रूप से वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है, इसके ऊपर 10 मुकदमे पंजीकृत थे। विवेचना के दौरान सामने आया कि ये संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल काला ने अवैध तरीके से बनाई थी, लिहाजा इस संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय या विक्रय वर्जित घोषित किया जाता है। सोटीगंज वो इलाका है जहां बताते हैं कि बड़े से बड़े ट्रक के पुर्जे यहां मिनटों में अलग कर दिए जाते थे। ऐसे कुख्यात सोटीगंज पर जब योगी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यहां की तस्वीर बदल गई। यहां कबाड़ माफियाओं की अब तक करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक से बढ़कर एक आलीशान कोठियों पर पुलिस का पहरा है। पुलिस के खौफ से बदली तस्वीर, दुकानों पर लिखा चोरी का सामान नहीं खरीदा जाता। यही नहीं, यहाँ कई दुकानदारों ने तो अब अपनी दुकान पर ये लिख दिया है कि मैं पहले कबाड़ का काम करता था। मेरी दुकान में न तो चोरी का सामान बेचा जाता है, न खरीदा जाता है, न ही भविष्य में खरीदूंगा। यही नहीं, आगे दुकानदारों ने लिखा कि अगर मार्केट में कोई चोरी का काम करेगा तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी जाएगी। कार्रवाई से बदली तस्वीर। इसी सोटीगंज की बदली हुई तस्वीर का जिक्र बीते दिनों पीएम ने भी किया। उन्होंने आज कहा कि देश भर में कहीं भी गाड़ी चोरी हो जाए तो वह सोटीगंज में करती थी। यह काला बाजार दशकों से चला आ रहा था। पूर्व की सरकारों ने कभी बंद नहीं किया, लेकिन योगी सरकार ने मेरठ में सोटीगंज में चल रहे इस गंदे धंधे को बंद किया है। सोटीगंज में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड के चोरी वलूर के वाहन अवैध तरीके से काटे जाते थे। 90 के दशक में शुरू हुआ था काला कारोबार। 90 के दशक में सोटीगंज में शुरू हुआ गाड़ियों के पुराने पार्ट्स का कारोबार काले बाजार में बदलता चला गया। चोरी करने वाले गिरोह तैयार हो गए। ऑन डिमांड चोरियां होने लगी। मेरठ से दिल्ली होते हुए यह कारोबार देश भर के कई राज्यों तक पहुंच गया। किसी को कोई भी गाड़ी का पार्ट्स लेना हो तो वह जहां पूरे देश में नहीं मिलता था वह मेरठ में मिल रहा था। 31 साल के इस काले कारोबार के बीच तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मेरठ में आए, लेकिन कोई भी इस काले कारोबार पर लगाम नहीं कस सका था। सरकारें बदलती रही, अफसर आते जाते रहे और संसद में मामला गूंजता रहा, लेकिन सोटीगंज में चोरियों की गाड़ियों के पार्ट्स बिकने का काला धंधा चलता रहा। मेरठ के कुख्यात मार्केट सोटीगंज में आज फिर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। यहां इरफान उर्फ राहुल काला की तकरीबन 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। सोटीगंज में अब तक की कार्रवाई में 55 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है।